आईपीएल 2021 की ऑक्शन की तैयारी सभी टीम स्टार्ट कर चुकी है और ऐसे में गाइस आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बारे में। तो गाइस अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को लेकर आकाश चोपड़ा ने बताया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 2021 के मिनी ऑक्शन में 5 खिलाड़ी को पूरी तरह से टारगेट करने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 खिलाड़ियों के बारे में। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले आकाश चोपड़ा ने कौन से खिलाड़ी का नाम लिया। तो गाइस उन्होंने कहा कि 2021 के मिनी ऑक्शन में आरसीबी की टीम को फिर से इंक्लूड करना चाहिए शिवम दुबे को, क्योंकि गाइस यहां पे इंडियन ऑलराउंडर शिवम दुबे को फिर से अपने टीम में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और आरसीबी की टीम को शिवम दुबे को अपने टीम में फिर से इंक्लूड करनी भी चाहिए, क्योंकि इंडियन ऑलराउंडर गाइस यहां पे पहले में फ्लॉप रहते हैं लेकिन बाद में जाके वो खिलाड़ी जो कि तबाही मचाते हैं। तो गाइस यहां पे आकाश चोपड़ा ने ये कहा एंड आरसीबी को गाइस उन्होंने बताया कि 2021 के मिनी ऑक्शन में प्लीज आप लोग फिर से शिवम दुबे को अपने टीम में इंक्लूड कीजिए, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ साल दीजिए एंड उसके बाद देखिए वो आरसीबी के लिए कैसे स्टार बनके चमकते हैं। एंड ऐसे में उन्होंने एक बात सही कहा कि इंडियन जितने सारे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ी बाद में जाके कमाल के परफॉर्मेंस करते हैं, स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते हैं लेकिन बाद में वो कमाल के परफॉर्मेंस करके जाते हैं। तो आपके इस पर में क्या ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस दूसरे खिलाड़ी निकल कर आ रहे उनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ गाइस यहाँ पे आकाश चोपड़ा ने ग्लेन मैक्सवेल का भी नाम लिया एंड उसमें आरसीबी की टीम के अलावा उन्होंने 2 और टीमों का नाम लिया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि पंजाब की टीम फिर से एक बार इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेगी अपने टीम में ग्लेन मैक्सवेल को एंड सस्ते में इंक्लूड हो जाएंगे ग्लेन मैक्सवेल। अब इतना प्राइस उनके पास नहीं जा सकता, काफी ऐसे 2-3 टीमें होगी जो कि ग्लेन मैक्सवेल को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहेगी, जिसमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, राजस्थान रॉयल्स की टीम और गाइस यहां पे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम का नाम क्यों लिया गया मैं नहीं जानता, बट आकाश चोपड़ा ने राजस्थान रॉयल्स का भी टीम का नाम लिया इसमें और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि 10 करोड़ तो नहीं जाएगा प्राइस, लेकिन 9-8 करोड़ इस बार यहां पे ग्लेन मैक्सवेल मार के लेके जाएंगे एंड अगर 3 टीम भागती है तो उनके पीछे 8 करोड़ से 9 करोड़ तो बिल्कुल पक्का है फिर से ग्लेन मैक्सवेल करोड़पति बनने वाले हैं। तो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस तीसरे खिलाड़ी निकल कर आने उनका नाम है सकीबुल हसन। अब सकीबुल हसन ऑक्शन में आने वाले एंड सकीबुल हसन को इंक्लूड करने के लिए काफी ऐसी टीमें जो कि यहाँ पे पीछे भागने वाली है, जिनके बाद 10 करोड़ 15 करोड़ है वो टीमें नहीं भागेगी। और गाइस इसमें सनराइजर हैदराबाद का टीम का नाम निकल कर आता है, मुंबई इंडियंस की टीम का नाम निकल कर आता है और इनको इस खिलाड़ी की जरूरत भी नहीं है, इनके पास खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद है। अगर जरूरत है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की, इन दोनों टीमों को ज्यादा जरूरत है, तो इस रेस में ये 2 टीमें यहाँ पे कूद सकती है और इन दोनों में से कोई एक टीम यहाँ पे सकीबुल हसन को अपने टीम में इंक्लूड कर सकती है 2021 के आईपीएल के लिए। तो गाइस आपका इस पर में क्या ओपिनियन है, कौन सी टीम में सकीबुल हसन को जाना चाहिए, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में, तो आप लोग अपना अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा। जब हम बात करते हैं चौथे खिलाड़ी के बारे में, तो चौथे खिलाड़ी का नाम है गाइस जहाँ पे उन्होंने बात किया आरसीबी के ओपनर के बारे में, जहाँ पे उन्होंने बताया कि आरसीबी की टीम को एक इंडियन ओपनर को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अभी फॉरेन खिलाड़ी आ जाएंगे तो उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप 4 फॉरेन खिलाड़ी यहाँ पे खिला सकते हो आईपीएल में और ऐसे में उनका कहना है कि अगर एक इंडियन ओपनर को आरसीबी की टीम अपने टीम में अगर इंक्लूड करती है तो काफी अच्छा रहेगा आरसीबी के लिए। तो गाइस आरसीबी की टीम के लिए यहाँ पे विवेक सिंह यहाँ पे मौजूद है, जो कि सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफी कमाल के परफॉर्मेंस कर रहे हैं एंड सभी टीमों की नजर अभी इस खिलाड़ी के ऊपर गड़ी हुई है। तो गाइस यहाँ पे ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी अपने टीम में इस खिलाड़ी को इंक्लूड कर सकती है और अगर आरसीबी की टीम एक इंडियन ओपनर को अपने टीम में इंक्लूड करती है तो ये भी अच्छा रहेगा और आरसीबी की टीम 4 क्वालिटी वाले फॉरेन प्लेयर्स को यहाँ पे अपने टीम में प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। तो गाइस अब हम बात करते हैं पांचवें खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस पांचवें जिस खिलाड़ी का नाम लिया गया उस खिलाड़ी का नाम है मिचेल स्टार्क। अब आरसीबी की टीम में मिचेल स्टार्क ऑक्शन में आएंगे और आरसीबी की टीम पीछे ना भागे ऐसा कभी हो नहीं सकता और आकाश चोपड़ा ने यह भी बताया कि आरसीबी की टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है मिचेल स्टार्क की। और गाइस यहां पे 2021 के मिनी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क के पीछे बहुत ही बड़ा बड़ा
बोली यहाँ पे लगने वाला है ये बिल्कुल तय है। और इस रेस में भी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम आएगी, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को भी एक दीप गेंदबाजी चाहिए। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के बीच में हम सभी को एक टक्कर देखने को मिलने वाली है। और आरसीबी की टीम पहले से स्ट्रेटेजी बना के जाएगी कि 2021 की आईपीएल ऑक्शन में उनको मिचेल स्टार्क को अपने टीम में इंक्लूड करना है, मतलब करना है और करना ही पड़ेगा। तो आरसीबी के फैंस, आपका इस पर में क्या ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।